मुझ पे हमारे मनिया थाने से कॉल आया। अदरवाइज सिंगर कोई भी गा देगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर मैंने किसी मैटर को उठाया तो मेरे को उंगलियां उठना। 100 अच्छाइयों में एक गलती होगी, मनोज बघेल खराब थे। उसके बाद में लोग लिख रहे हैं मनोज बघेल से बदला लेंगे, मनोज बघेल को ये कर देंगे। ना मुझे डर था, ना मुझे भय था, ना मुझे कोई और शिकायत थी। आप सभी लोग जुड़ जाइएगा आज मनोज बघेल, राजे हिंदुस्तानी सिंगर मनोज बघेल जी हमारे साथ हैं। और विषय कुछ ऐसा है कि कोई एक गाना अपलोड किया है इन्होंने, उस पर थोड़ा विवाद झलक रहा है, तो हमने सोचा थोड़ा सा मनोज जी से जान लिया जाए इस पर मनोज जी का क्या कहना है। और वो गाना प्राइवेट भी कर दिया गया है जी मनोज जी, ऐसा ही है ना? जी जी जी, जो वो गाना प्राइवेट भी कर दिया गया है। और अब है क्या कि मनोज जी के पास, मनोज जी के जो प्रशंसक हैं उनके बहुत कॉल आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ उस गाने में, प्राइवेट क्यों कर दिया गया है। बिल्कुल, पहले उस गाने के बारे में जान लेते हैं, जो कि गूगल के हिसाब से अगर जाने तो गूगल ये कह रहा है कि चरवाहे चंद्रगुप्त सम्राट जी, जी चरवाहे, और इनका मानना है एक प्रतिमा लगी हुई है देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के सामने, उनकी एक प्रतिमा भी लगी हुई है, और थोड़ा सा प्रतिमा दिखाएं। और पूरा मामला है क्या कि आप रुके रहिएगा तभी आपकी समझ में आ पाएगा पूरा मामला है क्या। इन्होंने गाना गाया क्यों, गाने के बोल क्या हैं, वो आप एक बार सुन लीजिए इनके। हाँ देखो, सर्वोच्च पंचायत के सामने, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने उनकी प्रतिमा बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, उनकी प्रतिमा को आप दिखाइएगा। और बताया जानकारी ये हो रही है कि संसद भवन के 5वें नंबर गेट पर लगी हुई है, जी जी, ऐसा जानकारी हो रही है। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, बालक अजापाल चंद्रगुप्त, बालक अजापाल चंद्रगुप्त मौर्य भावी भारत निर्माण कल्पना में इनका सहयोग था। दूसरा इनका जो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं उनके बारे में, सम्राट बिंदु धर्म इनका लिखा हुआ है इसमें, हिंदू गडरिया चरवाहे। अब इनके गाने के बोल जान लेते हैं, अब इन इस गाने से दिक्कत किस समाज को हो रही है उस पर भी हम थोड़ा विचार बात करेंगे। मनोज जी, आपने जो गाना गाया है इसके बोल क्या हैं, एक बार थोड़ा सा अपने अंदाज में बताइए। गाने के बोल, मैंने गाना गाया था, पहले उस विषय में मुझे मालूम नहीं था, जी जी जानकारी नहीं थी, नहीं थी, लेखक जी ने मुझे लिख के दिया, मैंने गाना गाया। और हाँ, इतना जरूर पता था सोशल मीडिया पे सब जगह चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया, गडरिया जी। तो मैंने गाना हमारे लेखक धर्मेंद्र बघेल एमपी बता जी, उनसे मैंने बोला भैया इस विषय में कोई गाना लिखो, समाज के हजारों लोगों की कॉल आ रही। जी जी जी, तो मैंने गाना गाया था, चंद्रगुप्त सम्राट गडरिया सूरवीर कहलाएगा, और जो छिड़ा इतिहास हमारा बेटा मारा जाएगा। ये गाने के बोल थे। अच्छा, एक और बात बता दें, आपके जितने भी गाने आते हैं जो दमखम में गाने आते हैं, मैं यादव जी, मैं चाहता ही ये हूँ कि मेरे हिंदुस्तान में हर भाई के अंदर जुनून जुनून जज्बा जज्बा होना चाहिए। और मैं देहात में जहां तक गाता हूँ ना, मैं ये नहीं मानता, बहुत सारे कलाकार भाई हैं, सभी कलाकार अच्छे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कि गडरिया समाज से हूँ तो गडरिया समाज के लिए काम करता हूँ, नहीं, मैं सातों बरादरी 3600 धर्मों के लिए सब तरीके से बढ़िया जो बिल्कुल गाता हूँ, जैसा राइटर के माध्यम से मिलता है। और समाज का मैटर ये होता है सर, जिस स्कूल में और जिस घर में जन्म लिया है जी जी, तो उसके लिए करने का सौभाग्य हमारा बनता है, क्योंकि माँ बाप ही आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, माँ बाप ने आगे बढ़ा के फिर आपका हाथ पकड़ा। बिल्कुल, माँ बाप नहीं होते तो मैं आपको कहाँ से जानता। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए समाज मेरे लिए मेरा एक माँ बाप है जी, और समाज के विषय में ही मैंने इस गाने को
प्राइवेट किया जी, तो समाज के हजारों भाइयों के कॉल आने लगे। मगर एक चीज मैं अपने समाज के भी भाइयों से, समाज के भी लोगों से कहूंगा कि अभी तक इस विषय में गडरिया समाज के किसी भी एक मेन लीडर, किसी भी एक संगठन का, किसी भी एक अच्छे पद से सम्मानित लोगों का मुझ पे कोई कॉल, कोई मैटर नहीं आया। तो जितने भी हैं इसमें जो मेरे साथ मेरे नौजवान भाई खड़े रहते हैं उनका ही कॉल आया है, वही लड़ रहे हैं, वही मुझसे झगड़ रहे हैं, वही मेरी सुन रहे हैं, वही मेरी सुना रहे हैं। अच्छा, इसमें गाना कल कितने बजे अपलोड हुआ आपका? गाना किया था परसों के दिन, परसों किया था। गाना अपलोड होता है सुबह 10-11 बजे। अच्छा, कल क्या क्या रहता है कि गाना प्राइवेट करना पड़ा? मुझ पे हमारे मनिया थाने से कॉल आया। उन्होंने बोला कि कोई विषय लेके, उन्होंने बताया कि ट्विटर पे मैसेज आया है, बघेल जी आप इस गाने को प्राइवेट कर दीजिए या वो सॉरी इस गाने को हटा दीजिए, ऐसा आया मुझ पे। तो मैंने बोला उनसे, मैं ठीक है जी कर लेता हूँ अभी, क्योंकि मुझे विषय का मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो मैंने उसे तुरंत प्राइवेट किया, थाने से कॉल आते मैंने प्राइवेट किया। मैंने क्यों किया? ना मुझे डर था, ना मुझे भय था, ना मुझे कोई और शिकायत थी, मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं थी। तो मैंने अपने राइटर भाई के लिए कॉल लगाया, राइटर जी इसका क्या विषय क्या है? तो राइटर जी ने मेरे से कहा कि मनोज जी आप एक दिन रुकिए, और कल मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था इसी काम बस, कहीं पे बहुत ज्यादा व्यस्त था कोई परिवार के संबंध से, तो इसलिए मैं कल के दिन लाइव नहीं आ पाया, कल इस मैटर के बारे में कुछ नहीं कर पाया। पर आज बहुत ज्यादा समाज के भाइयों के कॉल आ रहे जी। और दूसरी बात, श्याम यादव जी, इस सम्राट जी का गाना मेरी समाज के जो भी जितने भी मेरे भाई हैं, छोटे बड़े जो भी कलाकार हैं, उन्होंने सालों पहले से गाने गा रहे हैं जी। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने कल परसों एक गाना गाया, उसके बाद में लोग लिख रहे हैं मनोज बघेल से बदला लेंगे, मनोज बघेल को ये कर देंगे, मनोज बघेल के लिए ट्विटर पे धमकियां पे धमकियां मनोज बघेल की। अच्छा, ऐसा क्या कारण बना जो कौन सा ऐसा समाज है वो इस गाने से प्रभावित है या इस गाने से क्या लगता है उनको? ट्विटर के हिसाब से सैनी समाज, मतलब कुशवा समाज जी। और आपको भी पता है मेरे गुरु भी कुशवा समाज से ही है जी, आपसे तो मिले हुए जी। बिल्कुल मिले हुए मैंने। तो समाज से हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जी, जी। और ऐसा नहीं उनका, है उनका ये कहना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जी हमारे सैनी है, हमारे सैनी है जी, कुशवा समाज से। हाँ, और हमारे गडरिया भाइयों का कहना है कि वो हमारे गडरिया है, हमारे पास सबूत भी है, आपको भी बताया मैंने। बिल्कुल सबूत भी है, एक के साथ साथ तीन से चार चार सबूत है। नहीं बिल्कुल, अगर यदि आप समझ सकते हैं, देश के संसद के सामने वो तस्वीर लगी हुई है उनकी, और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है उनका नाम, और जो पाल और गडरिया समाज से जुड़ता है उनको, तो कहीं ना कहीं उस नाम पर भी विचार करना चाहिए। अगर ऐसा आप लोग कह रहे हैं तो वो नाम हटना चाहिए वहाँ से, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा मनोज जी कि जैसे कि यदि आपके समाज से हैं, आप समझ लिए तब भी प्रचार ही कर रहे हैं मनोज जी, उनका वही प्रचार ही तो कर रहे हैं। हमारी तो वो का नहीं है सर, अच्छा करो तो अपना है, कल की स्टोरी बता रहा हूँ, अच्छा करो तो मनोज बघेल अपना है, और 100 अच्छाइयों में एक गलती होगी मनोज बघेल खराब सिंगर है, मनोज बघेल ही है। मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, अपने समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। ये गाना मैंने प्राइवेट करते ही लोगों के मुझ पर फोन आने लगे, लोगों के मैसेज आने लगे, मनोज बघेल ने गाना डिलीट क्यों करा था, गाना क्यों डाला, गाने का क्या विषय था। भाइयों, मैं पहले मैटर समझू, उस चीज के बारे में जानू। हाँ, ये मेरी थोड़ी सी गलती रही कि मैंने धर्मेंद्र बघेल जी से इस मैटर के बारे में कुछ सलाह नहीं पूछा नहीं, उन्होंने मुझे लिख के दिया, मैंने गा दिया, गा के मैंने दिमाग नहीं लगाया, अपलोड कर दिया। उसका भी विषय है कि मुझसे पहले मेरी समाज के 500 कलाकार गा रहे हैं, काफी समय से गाया, तो मैंने काफी समय भाई गा रहे हैं। और मैं कोई भी सामाजिक मैटर जब ही गाता हूं सर, मुझे अवश्य पता है कि मैं कोई सामाजिक मैटर या किसी कोई भी मैटर छेड़ूंगा तो अदरवाइज सिंगर कोई भी गा देगा कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर मैंने किसी मैटर को उठाया तो मेरे पे उंगलियां उठना, क्योंकि हाईलाइट है आप
ये भी तो आप देखो आप हाईलाइट में आप वो मेरे दर्शकों का भाइयों का प्यार है सर। थोड़ी सी गलती भी होगी तो आप लोग आपको सुनाएंगे भी, क्योंकि वो प्यार करते हैं ना आपसे, हम सुनते भी हैं। प्यार नहीं करते तो सुनाते क्यों वो आपको? ठीक है, अब आपको कल से सुना रहे हैं उसको गाने के लिए, बोल रहे हैं कि गाना क्यों हटाया, गाना क्यों हटाया, तो ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। जी जी, इसी विषय में मैं आया, मैंने आपको कॉल लगाया, कॉल लगा के बोला कि थोड़ा सा लोगों को समझाना। जी 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 जी, तो इस पर उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस विवाद कर रहे हैं? मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले आप जानकारी लो। जी, जानकारी लेने के बाद में अगर आपके होते हैं और हमारे सबूत है आपके पास, जी, तो हम गाने भी डिलीट करेंगे, आपसे क्षमा माफी भी मांगेंगे। और एक ही नहीं है, सैकड़ों गाने पड़े हैं, सारी चीजें करवाएंगे। अगर आपके नहीं है तो किसी बेफिजूल के विवाद में, क्यों खामा खामे लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजों में कुछ नहीं रख रहा। बिल्कुल, मेरा दो ही बातों का तोड़ है, दो ही बातों का मोड़ है श्याम यादव जी। अगर हमारे नहीं है जी, हमारे पूर्वजों से हमने जो चीज लिखी हुई देखी, जो गूगल पे पढ़ रहे हैं, हर जगह प्रेजेंट में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जी उनके राजनाथ जी, उन्होंने अपने मुखार बिंद से कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट गडरिया। आप उस चीज को यूट्यूब पे डाल के सारी चीज पे देख सकते हो। तो एक चीज बताओ, जब नहीं होंगे तो गुणगान। कुल मिला के बाद मनोज जी का कहना है कि भैया हमारे समाज के हम तो गाना गाएंगे, तुम्हें लगता है तुम्हारे समाज के, आप तो हमारे को सबूत दो, सबूत दो, तथ्य पेश करो अपने। जी, यही तो है आपका। बिल्कुल, एक बार बोल दीजिए क्या कहना चाहोगे जो हम सो। मेरा बस सिर्फ यही है कि हमें हमारे पूर्वजों को गाने के लिए ना रोका जाए, और हमको जब तक कोई सबूत नहीं देते, पक्का सबूत नहीं मिलता, जब तक हमारी कोई गलती भी नहीं है और आप हमारे पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकते हो। आपके पास सबूत होगा और आपके पास कोई हमारा मिलेगा तो हम हर चीज से आपके सामने नतमस्तक होंगे। जब तक के लिए कोई भी ट्विटर पर गलत कमेंट, गलत चीज अपलोड ना करें, ये मेरा सभी से कहना है। और समाज के जितने भी सभी भाई हैं, जितने भी संगठन वाले हैं, जितने भी लोग संगठन चला रहे हैं, जितने भी समाज के बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी समाज के बड़े बड़े लोग हैं, उनसे एक ही चीज कहना है कि आप लोग समाज की तरफ भी ध्यान दो। समाज भी आपका एक परिवार है, समाज भी आपका एक घर है। जी, आज तक श्याम यादव जी, मैंने एक चीज देखी है, मैं तो कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, ना कोई बड़ा व्यक्ति हूँ, एक आम आदमी हूँ, एक आम परिवार में हूँ, एक आम परिवार का गुजारा कर। जी, मेरा गाने बजाने से एक, ये मान के चलो मेरा परिवार पल रहा है। जी जी, ये गाना बजाने से मेरा एक परिवार पल रहा है, तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक चीज कहूंगा, समाज के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, इसी विषय में मैंने इस गाने को मोड भी थोड़ा सा इसी विषय में दिया कि समाज के कितनी संगठनों इतने सारे हैं, कोई चीज अच्छी कर दो ना आप, उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया, 50 संगठन वाले आपके लिए कॉल लगाएंगे, 50 लोग आपको बोलेंगे। तो उस विषय में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप थोड़ा सा नजर पसार के कहीं ना कहीं देख लीजिए। आपके संगठन वाले कॉल नहीं कर रहे, किसी का कोई मैटर नहीं, पूछ किसी नहीं। को कोई मतलब नहीं, मतलब है, नहीं है। सब अपने अपने जितने भी फोन कर रहे हैं वो मेरे पर्सनली फैन हैं, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे भाई हैं, और उनके पास कोई पावर नहीं, वो फोन कर रहे हैं, उनके पास पावर सिर्फ एक ही है कि जहाँ मनोज बघेल खड़े हैं वहाँ वो खड़े हैं। बिल्कुल, मेरे को एक और बात कहना चाहूंगा, मैं अपना पर्सनल अपनी राय ये है मेरी कि जैसे कि हमारे महापुरुष हैं, अगर यदि हमारे महापुरुषों को कोई गाता है तो ये बड़ा सौभाग्य होगा। श्रद्धेय नेताजी को अगर कोई गाए गए तो सब समाज के लिए काम किया उन्होंने। अब जैसे सम्राट चंद्रगुप्त जी हैं, इन्होंने सब समाज के लिए काम, देश हित में काम किया। हाँ, एक बात याद आ गई आपकी, अब भगवान कन्हैया, बिल्कुल, यदुवंशी याद गाते मनोज जी के, हाँ, कितना गाते हैं आपकी समाज से है, तो अब क्या इसका मतलब उनके गुणगान हम नहीं करें, उनके दर्शन करने नहीं जाए? बताओ।